राजधानी में अपराधी बेखौफ हैं और इस कदर कि किसी की भी हत्या करने से नहीं डरते। अगर कहें कि सीधे सीधे पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रहे हैं और पुलिस सिर्फ देखते रह जाती है। आंकड़ों को देखिएगा तो हैरान रह जाएंगे। पटना और शहर से सटे इलाके में पिछले 12 दिनों में 12 हत्याएं हुई हैं, लेकिन आला अधिकारी कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं। राजधानी में अपराधियों का तांडव, बेउर मोड़ के पास युवक की हत्या, पटना में पिछले 12 दिनों में 12 मर्डर। जी हां, पिछले 12 दिनों में 12 हत्याएं हुई हैं राजधानी में। गुरुवार को भी बेउर मोड़ के पास विष्णुपुरी रोड पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। गोलियों से उसे दिन दहाड़े भून दिया गया। मृतक की पहचान नालंदा के रहने वाले अजय शुक्ला के तौर पर की गई है और वो महावीर कॉलोनी में किराए पर रहता था। हमरा पता कुछ नहीं है, नहीं, नहीं। हम तो बढ़िया से घरे 8 दिन पहले तो रह के आवे की आए। हम ऐसे कितना बढ़िया बोल बतिया के सब तरह से हम समझा बुझा के बढ़िया से कमाओ खगन को कर में। हमरा पैसा की जरूरत ना है, तो नहीं पैसा की हमरा जरूरत ना, पैसा है हमें कोई जरूरत नहीं है। अब दुश्मनी हमने नहीं कुछ ना, हमरा कुछ पता नहीं है। 2 मोबाइल बरामद किया गया है, उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो जल्दी केस उद्भेदित कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजधानी में अपराधियों ने कोई पहली मर्तबा ऐसी वारदात को चुनौती दी है। आंकड़े देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। 1 अगस्त को फुलवारी शरीफ के बसंत चक में एक बुजुर्ग की हत्या, 3 अगस्त को मनेर के लोदीपुर में विवाहित की हत्या, 4 अगस्त को बिहटा बाजार में सरेआम फायरिंग, 5 अगस्त को दानापुर के सुल्तानपुर में दुकानदार को अपराधियों ने गोली मारी, 6 अगस्त को मनेर के रामपुर में बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, 7 अगस्त को रूपसपुर में विवाहित महिला की हत्या, 11 अगस्त को बेहटा में सर्राफा कारोबारी की हत्या। इसके अलावा बेहटा के मूसेपुर में डकैती के दौरान बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। नौबतपुर में गांजा पीने के दौरान चाकू गोद कर एक शख्स की हत्या कर दी गई। ये वो वारदात हैं जो पुलिस की साख पर बट्टा लगाने के लिए काफी है। ना सिटी में देखिए, जो अपराध हुए थे उनमें संपत्ति मूलक अपराध हुए थे, उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है और दूसरे भी अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। कल वाली घटना जरूर दुखद घटना है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें हमने SIT बनाई और टीम लगी, उसका भी उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। इन 12 दिनों में 12 हत्या की वारदातों ने बता दिया है कि पुलिस प्रशासन का खौफ अपराधियों पर कितना बोलता है, क्योंकि अपराधी तो बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इश्तियाक, Zee Media, पटना।